बिल्कुल इस बात से मैं हाथ जोड़ के फौजियों के परिवारों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग भुगत रहे हैं, जो आप लोगों ने देखा है, जिस तरह आपने अपने लड़कों को खोया है, उसका कोई मतलब भरपाई नहीं है, बिल्कुल उसकी कोई भरपाई नहीं है। तो हम आपकी मतलब जितनी सेवा करें उतना उतना कम है, जितना आपको थैंक यू बोले उतना कम है। और कभी हमारी ज़रूरत पड़े बुलाइए, आपके लिए हम सड़क में खड़े होकर गा देंगे, जहाँ से कुछ भी पैसा जमा होता है, जो हो आप मुझे बोलिए, मैं सड़क में गा दूंगा, जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार मैं कर दूंगा। ये मेरे हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको हमेशा एक ब्रिज खुला रहना, खुला छोड़ देना चाहिए, एक ब्रिज, छोटा सा ब्रिज, कि अगर मुझे उस पार जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा। आर्ट इज दैट ब्रिज, कला ही वो ब्रिज है जिससे आप जुड़े रहते हैं, कुछ एक कनेक्शन तो रहता है, पूरा कनेक्शन टूटता नहीं है। ये कला ही है जिससे, चाहे वो लिखित कला हो, चाहे वो गायन की कला हो, चाहे वो हस्तकला हो, चाहे वो एक्टिंग की कला हो, अभिनय की कला हो, कुछ भी हो, एक कला छोटा सा ब्रिज है जिससे किसी को इतना हर्ट होता नहीं है, फ्रेंकली वो छोड़ देना चाहिए, ताकि कभी वापस जाना पड़े। और मैं ये जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, जितने हम इंडियन हैं उतने वो भी पाकिस्तानी हैं, मैं ये भी जानता हूँ। और मैं तो खैर ह्यूमैनिटेरियन थॉट का ज़्यादा हूँ, मैं अपने आप को इंडियन से ज़्यादा मैं अपने आप को इंसान समझता हूँ। मैं अपने आप को संकुचित नहीं रखना चाहता कि मैं बस भारतीय भारतीय भारतीय, नहीं, नहीं, मैं एक इंसान हूँ। और पूरी दुनिया, बस हमने तो बोला है वसुधैव कुटुंबकम, राइट हमने तो कहा है, तो फिर मैं सडनली देश देशद्रोही तो नहीं हो सकता। अगर मैं इसी बात को फॉलो कर रहा हूँ, वसुधैव कुटुंबकम, तो मैं देशद्रोही नहीं हो सकता। तो मेरा ये मानना है कि मेरी दुनिया जो है वो मेरा पूरा परिवार। फौजी अगर मेरे देश के लोगों का भी मुझ पर अधिकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह मैं एक परिवार को बिलोंग करता हूँ, अगर वसुधैव कुटुंबकम, तो पर अपना परिवार भी कुटुंबकम ना तो फिर अपना देश भी कुटुंबकम ना, तो पहले उसका भी मैं सुननी पड़ेगी तो अगर देश बोलेगा कि भाई ये मत करो तो नहीं करेंगे। बट मेरी मेरी सोच ये है, आई विल स्टैंड बाय माई कंट्री, आई विल स्टैंड बाय माई कंट्री मैन।